हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन टूल्स। आज मैं लेके आया हूँ स्काईलाइन का चॉपर, जिसमें मल्टीफंक्शनल है, मल्टीपल उसके एडवांटेजेस है, कुछ एक आधा डिसएडवांटेज भी है। तो मैं उसे अनबॉक्स करता हूँ और आपको उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों बताता हूँ। सबसे पहले इसका एक बॉक्स हो गया, बाहर से कलर्ड बॉक्स है इस तरीके से, जैसे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से अब मैं इसे अनबॉक्स करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। काफी अच्छी कंपनी ने पैकिंग करी हुई है इस तरीके से। सबसे पहले एक ब्लेड है जो कि ऊपर ही है, और ये इस तरीके से चॉपर हो गया। मेन बात क्या है, जितने भी चॉपर आते हैं सारे विदाउट हैंडल आते हैं, इन्होंने हैंडल दिया हुआ है, उसका भी काफी एक अपना एडवांटेज है, काफी अच्छा। इस तरीके से अब इसे जब आपने स्टार्ट करना है तो ऊपर प्रेस लिखा भी हुआ है, जस्ट आपने ऊपर से प्रेस करना है और वो नीचे से घूमना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से इसकी मोटर वाला पार्ट हो गया, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ऊपर एक प्लेट दी हुई है जिससे कि जो भी आप कंटेंट मैश कर रहे हैं वो बाहर ना आए। ये होता है बीटिंग के लिए ब्लेड, जैसे कि आपने टमाटो प्यूरी बनानी है या आपने मक्खन फेंटना है उस चीज के लिए। और ये वाला जो ब्लेड होता है वो आपका होता है प्याज चॉप करने हो, गाजर हो गया, मूली हो गया, उन सब चीजों के लिए, जैसे कि हार्ड चीज होती है उन सब चीजों के लिए। ऊपर इन्होंने एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाया हुआ है ताकि कोई अगर बच्चा भी खोल रहा है तो उसके हाथ में कुछ लगे ना। ये प्लास्टिक का कवर है, ये चॉपिंग चॉपर स्टार्ट करने से पहले हटा देना है, ये बहुत जरूरी है। फिर आपने जस्ट इसे ऐसे किया, ऊपर आपने प्लेट लगा दिया, एंड आफ्टर दैट इस तरीके से ऊपर से प्रेस करेंगे वो चालू हो जाएगा। हैंडी है काफी, काफी इजीली आप इसे पकड़ सकते हैं। जो भी आपने जैसे कई बार स्मूदीज वगैरह बना रहे हैं, मैंगो शेक है, बनाना शेक है, आप इसमें बना रहे हैं तो कंपनी ने ऊपर जग की तरह ही शेप दी हुई है, नोजल दिया हुआ है ताकि आप इजीली उसे पोर कर सके किसी भी ग्लास में या किसी भी कंटेनर में। बाय स्काईलाइन है, 1 ईयर की कंपनी इसके साथ वारंटी लेके चलती है, और कंपार्टमेंट का साइज भी इसमें काफी अच्छा है। विद आपका इसमें मल्टीपल एडवांटेजेस हैं जो एक एक करके आप यहाँ पे आ भी रहे होंगे, आप उसे पढ़ भी सकते हैं, जिसमें कि 1 लीटर का बाउल हो गया, उसके बाद आप इसमें मीट चॉपिंग कर सकते हैं, पावरफुल मोटर है, चॉपिंग ब्लेड हो गया, क्रीम अटैचमेंट हो गया, एंड ब्लेंडर। 300 वॉट्स के अंदर इसका जो मोटर है वो है, और 2 ब्लेड हो गए इस तरीके से। इस तरीके से कंपनी ने एक वारंटी कार्ड दिया हुआ है जिसमें कि आपका 1 ईयर की वारंटी मोटर की जो है वो कंपनी कवर करती है, मिस हैंडलिंग कवर नहीं होती। और उसी के साथ साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है पूरा, इस तरीके से कि आपने इसे कैसे लगाना है वो भी आप इसमें अपने घर में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो काफी लंबी कॉर्ड है, जी हाँ, मतलब आपका अगर किचन में स्विच थोड़ा दूर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी दूर इसका कॉर्ड जाएगा। और अगर मैं वॉट्स की बात करूँ, 300 वॉट है। हार्ड चीजें मत करना, जो नॉर्मल आपका जो लिक्विड टाइप चीजें होती हैं उन्हें आप कर सकते हैं, जैसे दही वगैरह फेंटना हो, प्याज करना हो, ये सब चीजें हो जाएंगी। जैसे हार्ड चीजें आपका कॉफी बीन्स वगैरह है, वो सब चीजों में ये सक्सेस नहीं रहेगा। और ये थे इसके ऑल ओवर रिव्यूज। अब मैं अगर आपको इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइस इसका काफी इकोनॉमिकल है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ओपन करके आप जो MRP है उससे भी काफी अच्छा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जो इसकी MRP है वो 1299, जी हाँ, 1299 इसकी MRP है, जिसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसे ओपन करके आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके सारे ऑल ओवर रिव्यूज एंड अनबॉक्सिंग। अब अगर आपने इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अगर इसके अलावा किसी और चीज की अनबॉक्सिंग या रिव्यूइंग आप चाहें तो मेरा कमेंट सेक्शन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरी मेल आईडी आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं ताकि वो भी मैं अनबॉक्सिंग आपको उसके रिव्यू दे सकूं जल्द से जल्द। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।